वेलकम बैक टू YSC Academy। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ आ चुकी है। जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेकेंड सेमेस्टर के, स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए फिलहाल ये गुड न्यूज़ है कि भाई आप लोगों का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आ चुका है। सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम आपके जुलाई में स्टार्ट है, लास्ट वीडियो में आपको बताया था। डेट शीट कैसे डाउनलोड करनी है वो भी आपको बताया था। वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आप क्या करेंगे, अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, और फिल कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं वो आपको बता रहा हूँ। गूगल पे आपको लिखना है exam.du.ac.in। इतना करने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर पहली जो ये लिंक दिखाई देगी इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये एग्जामिनेशन विंग ओपन होकर आ जाएगा। जब ये विंग ओपन होगा तो आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे होम एग्जामिनेशन स्कीम नोटिफिकेशन डेट शीट वगैरह 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 ये सब चीज़ें मिलेंगी। इस आपको क्या करना है, ये जो थर्ड नंबर पे लिखा है नोटिफिकेशन, जस्ट क्लिक हियर, और नोटिफिकेशन जब क्लिक करेंगे तो सेंटर में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो जाएंगी। पहले नंबर पर ही आपको नोटिफिकेशन क्या दी हुई है, नोटिफिकेशन डेटेड 31 मई को ये आ गई थी, फिलिंग अप एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर रेगुलर एंड एनसी वेब स्टूडेंट्स, जो नॉन कॉलेज वाले होते हैं उनके लिए सेकेंड सेमेस्टर फॉर ऑल द यूजी प्रोग्राम अंडर नेप, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने जो एडमिशन लिया है उनका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम है, जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया था, तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, अभी एग्जामिनेशन फॉर्म किसके लिए है, देखो स्पेशली यहाँ पे मेंशन है रेगुलर एंड नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी एनसी वेब। SOL के बच्चों के लिए ये अभी नहीं है, उनके लिए जैसे भी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये सिर्फ आप फिर भी इससे आइडिया ले लीजिए कि अगर एग्जामिनेशन फॉर्म है तो वो क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन इनका आ चुका है। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। फिल करने के लिए नीचे यहाँ पे एक पोर्टल ओपन होगा, ये जो लिखा हुआ है slc.uod.ac.in, यहाँ पर जाकर आपको ओपन करना है और अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद क्या फिल करनी है वो यहाँ पे देखो आपको दे रखी है। फिल इन योर बेसिक डिटेल्स लाइक सेलेक्ट प्रोग्राम, आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आप बीए प्रोग्राम है या बीकॉम है। नेम लिखना है आपको, ठीक है, जो भी आपका 12th क्लास के सर्टिफिकेट पे था या 10th में था मार्कशीट में वही नेम लिखना है। एनरोलमेंट नंबर डालना है अपना, एंड द जो कैप्चा कोड आएगा वो आपको डालना है। उसके बाद क्लिक सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा, क्योंकि आपने वो मोबाइल रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा पहले से, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपके OTP आएगा। फिर उस OTP को डालने के बाद, ठीक है, OTP जो आएगा फिर स्क्रीन पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट पासवर्ड, तो वहाँ पे क्रिएट पासवर्ड करने के बाद आप डालेंगे, फिर वो OTP डालेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि कैसे आपको फिल करना है तो मैंने ये जो slc.uod.ac.in है इसको ओपन कर लिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र नेम, तो बेसिकली यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद नीचे लिखा हुआ है पासवर्ड, तो पासवर्ड यहाँ पे आप डालेंगे, पर ये काम तब होगा जब आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा था। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्योंकि आप तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, अभी तो आप पोर्टल पर आए हैं, तो बेटा आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ मतलब इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उसको आपको फॉलो करना है। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू यूज देयर ऑन मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस, अपना खुद का मोबाइल नंबर और खुद का ही ईमेल एड्रेस आपको यूज़ करना है। रजिस्टर विद योर करेक्ट यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट, एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल करेक्ट डालना। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रजिस्टर विद योर एनरोलमेंट नंबर प्लीज़ यूज़ योर एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कीप रिकॉर्ड ऑफ योर गिवन यूजर नेम, इसको रिकॉर्ड रखना है, और अपना जो पासवर्ड है उसको स्ट्रांगली आपको बनाना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल यहाँ पे फॉर्म आ चुका है, यहाँ पे मुझे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करूँगा। देखो यहाँ पे प्रोग्राम्स आ चुके हैं, तो आप अपने हिसाब से अपना प्रोग्राम को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी जो आपका प्रोग्राम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आपका स्ट्रीम होगा अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेना। तो मैं यहाँ पे कोई भी, जैसे ये मैं BA इंग्लिश ऑनर्स का चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको आपका जो आईडी कार्ड पे नेम है वो आईडी कार्ड पर नेम सेम एज इट इज़ डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, अगर एनरोलमेंट नंबर नहीं पता तो एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है वो डाल देना है। तो यहाँ पे हम एनरोलमेंट नंबर ले लेते हैं, तो ये नीचे एनरोलमेंट नंबर का हमें डिजिट जहाँ पे फिल करना है वो आ जाएगा। ऊपर आपको सेलेक्ट करना है कि आप एनरोलमेंट नंबर डाल रहे हैं या एग्जामिनेशन रोल नंबर डाल रहे हैं। हम एनरोलमेंट को चूज़ करके नीचे एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा,
ये मैंने रेंडमली कुछ डाल दिया है और नीचे लिखा हुआ है कैप्चा कोड, तो ये कैप्चा कोड आपको इसमें फिल करना है। तो मैं यहाँ पे आपको ये फिल करके दिखा देता हूँ, JUP, ये कैप्चा कोड डाल दिया और यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करना है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। ये तो मैंने रेंडमली एक इन्फॉर्मेशन ली है, अब मैं डालूंगा तो अभी फिलहाल कुछ होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एकदम करेक्ट अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट करना है तो OTP आ जाएगा। फिर OTP आएगा जैसे ही, तो वहाँ पे अब आपको फिर पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, वो पासवर्ड आप नया पासवर्ड डालेंगे तो थोड़ा स्ट्रांगली इस पासवर्ड को बना लेना, बस दैट्स इट, आपका काम खत्म। पासवर्ड हमेशा याद रखना क्योंकि पासवर्ड से ही आपका पोर्टल ओपन होगा बाद में। तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।